अगर आप भी NCR में किसी बालकनी वाले मकान में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। गाजियाबाद के विक्रम एनक्लेव इलाके में एक ऐसा हादसा हुआ है जो दिल दहला देने वाला है। दरअसल इलाके में तीसरी मंजिल पर रहने वाली सरबती देवी ने बालकनी में कपड़े सुखाए हुए थे। इस दौरान वहां हवा चलने पर एक तौलिया उड़ गया और वो बिजली की तार पर जाकर लटक गया। सरबती देवी ने आधे गीले वाइपर से बिजली की तार पर लटक रहे तौलिये को उतारने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्हें भयंकर करंट लगा और वह 40% तक झुलस गई है। इस दौरान उनकी 16 वर्षीय पोती भी साथ थी, जो इस हादसे में बाल बाल बच गई है। सरबती देवी का इलाज साहिबाबाद के एक अस्पताल में चल रहा है। उनके इलाज में लगे डॉक्टर मयंक जैन का कहना है कि सरबती देवी 40% जल गई है, जबकि उनकी पोती बाल बाल बच गई है। डॉक्टर मयंक ने सलाह दी कि कभी भी किसी बिजली की तार को किसी भी वस्तु से टच करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यह जानलेवा साबित हो सकता है। जिस वाइपर से सरबती देवी ने तौलिया उतारने की कोशिश की थी उसमें भी नमी थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। ये बिल्डर जर्जी के पास रहती है अम्मा जी, तो कपड़ा गिर गया था तार के ऊपर, पता नहीं 12 उसकी वो थी बोर्ड, तो वो लड़की कपड़ा उतार रही थी ना, तो माता जी ने ना वो जैसे कपड़ा उतार रही थी, माता जी ने उसको वाइपर पकड़ा दिया, कपड़ा हाथ में नहीं आया जी। तो माता जी ने वाइपर पकड़ाया लोहे का बड़ा वाला, वो उससे लड़की चिपक गई। फिर अम्मा उनको छुड़ाने के लिए चल गई तो अम्मा के भी चोट लगा, अम्मा भी गिर गई। अब बच्ची की और आपकी सासू माता की कैसी तबीयत है? आपकी सासू माता ठीक बता रही है। और बच्ची की तबीयत कैसी? बच्ची वहाँ पे है, वो आराम है, उनको GTB में है बच्ची। GTB। अच्छा, तो कोई कपड़ा गिरा था, कितने हजार की लाइन थी? 11,000 थी या ऐसे बता रहे हैं, 12,000 की लाइट बता रहे हैं। 70 वर्षीय एक महिला जो कि एक टॉवल थोड़ा सा सूखा हुआ था, कुछ गीला था, वो घर से उतरकर और जो सामने हाई टेंशन वायर और लो टेंशन वायर है उस पर जा गिरा। असावधानी से उन्होंने उसको एक वाइपर से उठाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि आज की तारीख में ये सलाह दी जाती है कि जो भी आपके घर के आसपास से इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है उसको किसी तरह से टच ना करें, किसी भी फॉर्म में आप वाइपर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जिसके गीले होने की संभावना है, अगर आप उससे टच करते हैं किसी भी गीली वस्तु को तो वो आपको करंट दे सकती है, जैसा उन महिला के साथ हुआ। वो एक तेज़ इलेक्ट्रिक शॉक था उनको लगा, जबकि उनको अपनी समझ से उन्होंने एक वाइपर जैसी चीज़ जिसमें लकड़ी लगी होती है उससे उसको उतारने की कोशिश की थी, लेकिन नमी होने की वजह से उनको करंट लगा, उसके उनका पूरा बर्न हुआ और इलेक्ट्रिक शॉक उनको हाथ से होते हुए कमर से निकला और एक 40% वो बर्न एक हमारी कैटेगरी में आया। तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके आसपास से बिजली की नंगी तारें गुजरती हैं, तो वो लोग बिल्कुल करंट इस तरह से सावधान रखें कि कपड़े फैलाते हुए या कपड़े डालते हुए उनको टच ना हो, उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें। ये सभी के लिए मेरा एक आग्रह भी है कि इस तरह के तारों से, इस तरह की चीज़ों से दूर रहा जाए।